बच्चों आज आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे एनिमेट करते हैं ये सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करेंगे। इस वीडियो को मैंने पूरी तरह से हिंदी में बनाया है ताकि आप सभी लोग अच्छे से समझ सकें और घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन में कर सकता है और जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की खुल गई है। न्यू स्लाइड यहाँ पर ऐड है, क्लिक ऑन लेआउट। कई तरह के लेआउट इसमें डिस्प्ले कर रहा है, जो आपको पसंद हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट लिया है और अब टाइटल ऐड करेंगे एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये चैप्टर 6 है आपके बुक का। तीन बार क्लिक करेंगे इसको, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक ऑन बोल्ड और फॉन्ट कलर भी चेंज कर दिया। पिक्चर ऐड करना है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन पिक्चर ड्रॉप डाउन एरो, दिस डिवाइस, सेलेक्ट पिक्चर एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। इसके साइज को आप अपने ज़रूरत अनुसार चेंज कर सकते हैं और देन इसको जहाँ चाहो वहाँ पर आप इसको पोजिशन कर सकते हो। इसी तरह से एक और स्लाइड बनाएंगे। क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, सेलेक्ट लेआउट, राइट टाइटल वेलकम टू कंप्यूटर क्लास, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन बोल्ड एंड चेंज द फॉन्ट कलर टू इंसर्ट पिक्चर, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन पिक्चर ड्रॉप डाउन एरो, सेलेक्ट दिस डिवाइस, सेलेक्ट पिक्चर एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। रिसाइज करिए पिक्चर को और जहां आप पोजीशन करना चाहते हैं इसको पोजीशन करिए। बच्चों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है जिसके हेल्प से आप अपने व्यूज एंड आइडियाज इफेक्टिवली विजुअल एड के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें वेरियस टूल्स एंड फीचर्स हैं जिनको यूज करके आप प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव, इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल बना सकते हैं। इसके साथ ही स्पेशल इफेक्ट को यूज करके ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आप सीखेंगे एनिमेशन इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे एनिमेट करना किसे कहते हैं। एनिमेटिंग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये चैप्टर 6 है आपकी बुक का। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने को एनिमेशन कहते हैं। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स है जो बुक और न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड होता है और स्लाइड पे जो भी टेक्स्ट है या जो पिक्चर है इन्हें ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई ग्राफ आप ऐड करते हो तो भी उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। चार्ट ऐड कर रहे हो वो भी ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसमें एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट जो लिखा है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो चलिए अब आप सीखेंगे कि एनिमेशन इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे। सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, क्लिक ऑन एनिमेशन टैब, क्लिक ऑन एनिमेशन पेन। ये एनिमेशन पेन लिस्ट शो करता है उन ऑब्जेक्ट्स की जिन पे एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किया गया है। एड एनिमेशन, इसमें 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट इज एंट्रेंस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंट्रेंस इफेक्ट डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड शो के दौरान स्लाइड में कैसे आएगा। इसके वेरियस इफेक्ट्स इसमें दिए हुए, जो आपको पसंद हो आप चूज करिए। मैंने यहाँ पर फ्लाई इन सेलेक्ट किया है। यहाँ नंबर शो कर रहा है, ये बताता है कि एनिमेशन इफेक्ट एड हो गया है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे जिसके 3 ऑप्शन है। आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हो एनिमेशन इफेक्ट को, ऑन माउस क्लिक, विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस। मैंने यहाँ पर विथ प्रीवियस सेलेक्ट किया है और इसका ड्यूरेशन 0.25 रखा है। डिले टाइमिंग भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट है एम्फेसिस। ये इफेक्ट तब दिखता है जब ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग स्लाइड शो स्लाइड पे ही होता है। इसमें ऑब्जेक्ट को ग्रो या श्रिंक, स्पिन, कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हो। जैसे यहाँ मैंने स्पिन चुना है। स्टार्ट में आफ्टर प्रीवियस हम सेलेक्ट करेंगे और इसका ड्यूरेशन भी
0.25 सेकेंड रखेंगे। नेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट है एग्जिट। स्लाइड शो के टाइम में जब ऑब्जेक्ट स्लाइड पे है उसके बाद एग्जिट होना है अगर, तो उसपे क्या इफेक्ट देंगे वो यूज करते हैं। ये इफेक्ट कंट्रोल करता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से एग्जिट होगा ड्यूरिंग स्लाइड शो। जो चाहे आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर फ्लोट आउट सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट आफ्टर प्रीवियस ड्यूरेशन 0.25 सेकेंड। नेक्स्ट है मोशन पाथ। इसके लिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। मोशन पाथ में लाइंस, आर्क, टर्न्स, शेप्स, लूप्स, ये सारे इफेक्ट्स दिए हैं। और इफेक्ट देखना है तो मोर ऑप्शन पाथ पे आप क्लिक करोगे, इसमें मैंने राइट सेलेक्ट किया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सभी ऑब्जेक्ट में एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई हो गया है। यहाँ भी हम इसको आफ्टर प्रीवियस सेलेक्ट करेंगे और इसका ड्यूरेशन 0.25 सेकेंड रखेंगे। ये आपको ऑर्डर सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट बच्चों आप सीखेंगे कि जो भी एनिमेशन इफेक्ट आपने इस स्लाइड पे अप्लाई किया है, उसी एनिमेशन इफेक्ट को अगर हम दूसरे स्लाइड पे अप्लाई करना चाहें या कॉपी करना चाहें तो कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे सिंगल क्लिक के साथ, उसके बाद एनिमेशन पेंटर को क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट आप उस स्लाइड को क्लिक करेंगे जिसमें इफेक्ट अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आपको एक ब्रश का आइकन दिख रहा है, ये शो करता है कि एनिमेशन पेंटर इस स्लाइड के एनिमेशन इफेक्ट को कॉपी करने के लिए रेडी है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इफेक्ट इस पर अप्लाई हो गया। इसी तरह से मोशन पाथ जो हमने इसमें अप्लाई किया है उसे दूसरे स्लाइड पे कैसे कॉपी करेंगे। क्लिक ऑन एनिमेशन पेंटर, देन सेलेक्ट सेकेंड स्लाइड एंड क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। अप्लाई हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट अब आप सीखेंगे कि ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट्स तब दिखता है जब एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आता है ड्यूरिंग स्लाइड शो। इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन ट्रांजिशंस टैब। कई सारे यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट डिस्प्ले कर रहा है। और देखना है ट्रांजिशन इफेक्ट तो क्लिक ऑन मोर बटन। जो आपको ट्रांजिशन इफेक्ट पसंद है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने एयरप्लेन सेलेक्ट किया है। ये इफेक्ट सिर्फ इसी स्लाइड पे अप्लाइड है। अगर आप दूसरे पे भी अप्लाई करना चाहते हैं या सभी स्लाइड्स पे करना चाहते हैं अप्लाई, तो क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल। और इसका ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे कम कर दिया है। अगर आप साउंड अप्लाई करना चाहते हो तो साउंड अप्लाई कर सकते हो। और दूसरे स्लाइड में कैसे जाए, ऑन माउस क्लिक या ऑटोमेटिक, तो हम यहाँ पर आफ्टर पे क्लिक कर रहे हैं, माउस क्लिक हटा दे रहे हैं। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल। नेक्स्ट अब आप सीखेंगे कि साउंड क्लिप्स कैसे इंसर्ट करते हैं। बच्चों अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में म्यूजिक या साउंड इफेक्ट ऐड करते हो तो ये प्रेजेंटेशन को और भी कंप्लीट बनाएगा। कैसे ऐड करेंगे, पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे स्लाइड जिसमें आपको साउंड क्लिप्स ऐड करना है, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो, सेलेक्ट ऑडियो ऑन माय पीसी, सेलेक्ट म्यूजिक, क्लिक ऑन इंसर्ट। यहाँ पर स्पीकर का आइकन ऐड हो गया है। ऑडियो टूल में फॉर्मेट एंड प्लेबैक दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। स्टार्ट में क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेंगे, ये अपने आप ही प्ले होगा। और अगर आप चूज करना चाहते हैं कि लूप अनटिल स्टॉप्ड, ये म्यूजिक अगर आप तब तक बजाना चाहते हैं जब तक स्टॉप ना करें, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप सीखेंगे कि ओन साउंड कैसे ऐड करते हैं। अगर आप अपने ही साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे। सेलेक्ट करेंगे पहले उस स्लाइड को जिसपे साउंड को रिकॉर्ड करना है, देन क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो, सेलेक्ट रिकॉर्ड ऑडियो,
रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स खुल गया है आपके सामने। ये रेड बटन जब आप क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो आप रेक्टेंगल बटन को क्लिक करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओके। मैं रिकॉर्ड जब करूंगी तो इस सेंटेंस को पढ़ूंगी, यही रिकॉर्ड होगा। वेलकम टू कंप्यूटर क्लास, स्टॉप बटन पे क्लिक किया, क्लिक ऑन ओके। स्पीकर का आइकन यहाँ ऐड हो गया, ये शो करता है कि इसमें साउंड रिकॉर्ड हो गया। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ऑडियो टूल्स में प्लेबैक एंड देन स्टार्ट ऑप्शन में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेंगे। बच्चों इसके पहले स्लाइड में जो हमने यहाँ पर म्यूजिक ऐड किया है या साउंड क्लिप जो ऐड किया है, इसके ड्यूरेशन को हम यहाँ पर कम करेंगे। स्टार्ट ड्यूरेशन वही रहेगा और एंड को हम यहाँ पर 11 सेकंड पे सेट किया है, 11.690 सेकंड। क्लिक ऑन ओके। नेक्स्ट अब आप सीखेंगे कि वीडियो क्लिप कैसे इंसर्ट करें। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में वीडियो क्लिप ऐड करते हैं तो ये प्रेजेंटेशन को और लाइवलीनेस ऐड करता है। इसके लिए हम एक स्लाइड और ऐड करेंगे, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और वीडियो क्लिप इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन वीडियो ड्रॉप डाउन एरो, वीडियो ऑन माय पीसी सेलेक्ट करेंगे और वीडियो सेलेक्ट करके क्लिक ऑन इंसर्ट। यहाँ पर ये वीडियो ऐड हो गया है। वेरियस वीडियो स्टाइल्स है यहाँ पर, जो चाहो आप अप्लाई कर सकते हो। ये प्ले बटन है यहाँ पर, तो यहाँ पर वीडियो क्लिप इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट अब आप सीखेंगे कि एक्शन बटन कैसे ऐड करते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में फैसिलिटी है कि आप वेब पेज, ईमेल एड्रेस, फाइल, सेम प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड में या डिफरेंट प्रेजेंटेशन में भी आप एक्शन बटन की हेल्प से लिंक बना सकते हो। आइए देखते हैं कि अब आप लिंक कैसे बनाएंगे। पहले तो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिसपे एक्शन बटन को ऐड करना है, देन क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन शेप ड्रॉप डाउन एरो, लास्ट में आपके ये एक्शन बटन दिख रहा है। इसमें से जो आपको एक्शन बटन चूज करना है चूज करेंगे, क्लिक ऑन इट। माउस पॉइंटर प्लस शेप का हो गया, इसको डायगोनली ले जाकर क्लिक एंड ड्रैग, और जैसे ही माउस बटन को रिलीज करेंगे आप एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ माउस क्लिक और माउस ओवर, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं। माउस क्लिक अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही लिंक पे आप माउस क्लिक करेंगे ये एक्शन परफॉर्म करेगा, और अगर हम माउस ओवर सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही माउस पॉइंटर को इस लिंक पर लाएंगे ये तुरंत ही एक्शन परफॉर्म करेगा, यहाँ पर किसी क्लिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने माउस क्लिक यहाँ पे सेलेक्ट किया है। उसके बाद हाइपर लिंक में ये लिस्ट है, इसको क्लिक करेंगे, और कहाँ आपको लिंक करना है, प्रीवियस स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, सारे लिस्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। जो आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लास्ट स्लाइड सेलेक्ट किया है। और अगर आप कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं तो इसमें साउंड ऐड कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। ये एक्शन बटन जब स्लाइड शो होगा तब एक्टिव होगा। नेक्स्ट अब आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल से डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डेटा को इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन व्यू टैब, क्लिक ऑन आउटलाइन, और अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे समय की बचत के लिए कुछ भी लिख रही हूँ। फर्स्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन होम टैब, सेलेक्ट हेडिंग वन, सेलेक्ट टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन हेडिंग टू, थर्ड टेक्स्ट को सेलेक्ट किया,
क्लिक ऑन हेडिंग 3, फोर्थ टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन हेडिंग 1। ये आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो जैसा आपको ऑर्डर बनाना है। क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, QWERT फाइल नेम दिया, क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट्स, क्लिक ऑन सेव। अब आपने इसको क्लोज कर दिया। हम वापस अपने प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू टैब पे, देन स्लाइड सॉर्टर व्यू, फिर यहाँ पर होम टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड, देन सेलेक्ट स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को सर्च करेंगे, QWERT, क्लिक ऑन इंसर्ट। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दो स्लाइड्स ऐड हो गए। क्लिक ऑन व्यू, क्लिक ऑन नॉर्मल, और ये अब आपके यहाँ पे सारे स्लाइड्स दिख रहे हैं। अभी मैं जब स्लाइड शो करूँगी तो इसके लिंक को आप देखेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो कंट्रोल सीधे लास्ट स्लाइड में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लास्ट स्लाइड में आ गया। तो बच्चों, आप लोगों ने टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे एनिमेट करते हैं ये सीखा, एनिमेशन इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं, साउंड क्लिप्स इंसर्ट करना सीखा, ओन साउंड को रिकॉर्ड करना सीखा, वीडियो क्लिप्स को इंसर्ट करना सीखा, और एक्शन बटन को कैसे ऐड करते हैं ये भी सीखा, और लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा।